कैसे बने लेखपाल? सबसे पहली बात तो यही आती है कि आप लेखपाल कैसे बनेंगे, लेखपाल बनने की भी कोई योजना होनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि हम लेखपाल बन गए, लेखपाल बनने के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। तो लेखपाल बनने के लिए हमने जो योजनाएं रखी हैं उसको बनने के जो तरीके हैं, कैसे होगी लेखपाल की तैयारी, पहले तो हमारे संस्थान में आपके लेखपाल की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएँ क्या हैं, विशेष चीज़ें क्या की गई हैं, ये भी तो एक बात आती है कि आपके लिए कुछ विशेष होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक कंपटीटर हो और एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपकी जो फाइट है वो ऑल ओवर यूपी के विद्यार्थियों की होगी। ऑल ओवर यूपी में अगर फाइट होनी है तो आपके लिए कुछ विशेष चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि आप लेखपाल की वैकेंसी में अच्छी फाइट करके अपना एक अहम पद हासिल कर सको। जो इतनी कम वैकेंसी में आपका जो ये फाइट होने वाली, ये बेहतरीन फाइट होने वाली, तो इस बेहतरीन फाइट में हम एक कैसे, एक अच्छी वैकेंसी कैसे गेन करेंगे, उसके लिए हमें उसकी एक रणनीति बनानी होगी। तो कैसे होगी लेखपाल की तैयारी, हम इसको अभी आपको बताते हैं कि लेखपाल की तैयारी हम कैसे कराएंगे, हमारे संस्थान में लेखपाल की तैयारी कराने के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं, ठीक है। दूसरा, लेखपाल की तैयारी को कैसे बनाएं बेहतर और आसान, लेखपाल की तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जाएगा और कैसे आसान बनाया जाएगा, क्योंकि तैयारी करना नहीं है। देखो, हमने हमेशा कहा किसी भी चीज़ को पढ़ना नहीं है, हमेशा सीखना है। हम सीख के जो कर सकते हैं वो पढ़ के नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई ये हाई स्कूल इंटर थोड़ी है, ये हाई स्कूल इंटर है क्या, ये तो आपका कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होता है, जब आप किसी भी तैयारी में आते हो तो अपनी जो आपकी एबिलिटी है, योग्यता है, माइंड का जो आपका यूजेस है, जो आप कितना अपने माइंड का प्रयोग कर सकते हो। इंटर हाई स्कूल में तो रट के भी हम पास हो जाते हैं, लेकिन जब हम आपकी किसी तैयारी में आते हैं तो हमारी जो फाइट है वो सामने वाले व्यक्ति से, और सामने वाले व्यक्ति की क्या उसकी क्या योग्यता है, उसके सोचने समझने की क्या कैपेबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार हम अपनी योग्यताओं को बदलेंगे, ठीक। तो क्या इतनी बेहतरीन सुविधाएं और इतनी कम फीस में, सबसे बड़ी बात इतनी बेहतरीन सुविधाएं भी आपको मिलेंगी हमारे ऑफलाइन बैचेस में और सबसे कम फीस में मिलेगी। मतलब मैंने इस बार निर्णय लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेखपाल बनाना है, बस पैसा नहीं कमाना है। यूपी टेट में इस बार बहुत कुछ होने वाला था, बट नकल ऐसी हुई कि सब कुछ बदल गया। देखिए, ये गलत चीज़ें थी, जो टीचर ने मेहनत की अपने बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ भी एक बार खिलवाड़ हुआ है। हम लोगों ने 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक क्लासेस पढ़ाई थी कि अपने यूपी टेट के बच्चों को पास कराने के लिए, और उसके बाद हुआ क्या, कोई रिजल्ट नहीं आया, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मेरे जो प्यारे स्टूडेंट थे, वो इतने मेहनती बच्चे जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4-4 बजे तक क्लास ज्वाइन करते थे, उनसे पूछिए, बिना खाए पिए सब कुछ छोड़ के घर बार पढ़ाई में लगे हुए थे, और आखिरकार उन्हें क्या मिला। तो हम तो अपने गवर्नमेंट से यही विनती करेंगे इस बार कि इस बार जितनी भी परीक्षाएँ कराएँ निष्पक्ष तरीके से कराएँ, जिससे जितने विद्यार्थी मेहनत करते हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारा मानना है। हाँ, ये हमारा मानना है, आगे गवर्नमेंट जो भी सोचे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन सुविधाओं के साथ द ब्रिलियंट एकेडमी आपके साथ कराएगा आपको लेखपाल की तैयारी। आप बिल्कुल, ये हकीकत है, सबसे कम फीस में सबसे बेहतरीन सुविधाएं होंगी हमारे पास, ठीक है। चलिए हैं कि द ब्रिलियंट एकेडमी कौन सा बैच लाया है, इस बात की बात कर लीजिए। तो हमारा जो बैच है ये ऑफलाइन बैच है। पहली बात तो ये ऑफलाइन के लिए, अभी ऑनलाइन के लिए हमने डिसीजन नहीं लिया, ऑनलाइन का डिसीजन बहुत जल्द लेने वाले हैं आपके लिए, ऑनलाइन के बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो लेखपाल स्पेशल बैच प्रारंभ हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन कर दिए गए हैं। जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है वो संस्थान में आके, अपने एकेडमी में आके, ब्रिलियंट एकेडमी में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हमारी फैसिलिटीज़ क्या, हमने आपको क्या सुविधाएं दी हैं। सबसे बड़ी सुविधा दी है, मात्र 1399 रुपये में कंप्लीट कोर्स देंगे हम आपको, ठीक है। पूरा जो लेखपाल का सिलेबस है वो 1399 रुपये में ही कंप्लीट कराया जाएगा। उसमें 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, 3 महीने लगे, कुछ भी लगे, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स 1399 रुपये में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। अब हमारी हमने आपको व्यवस्थाएँ क्या दी, सबसे पहले तो आपको हमने डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड की हैं। डिजिटल क्लासेस में बाराबंकी की एकमात्र एकेडमी ऐसी है
एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। सभी बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपके शहर में भी डिजिटल क्लासेस अवेलेबल हैं, ये बड़ी बात है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस दी जाती हैं और डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस कुछ अलग तरीके से दी जाती हैं। उसका भी पैटर्न होता है, क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे कैसे पढ़ाई जाती हैं, समझाने का पैटर्न बहुत आसान हो जाता है आपके दिमाग में। जीएस की चीज़ें बहुत जल्दी आपके दिमाग में सेट की जा सकती हैं। तो डिजिटल क्लासेस की एक आपको सबसे अच्छी सुविधा मिलेगी। दूसरी सुविधा आपको मिलेगी लाइब्रेरी फैसिलिटी। आपके संस्थान में लाइब्रेरी की भी विशेष सुविधाएं हैं, आप बैठ के 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना भी पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो, और एक से बढ़कर एक आपके पास वहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही यूनिक हैं, शायद ही यहाँ पे हमारे शहर में मिले। हमने बहुत सारी किताबें आपके लिए बाहर से मंगवा के रखी हैं अपनी लाइब्रेरी में। बहुत ही कम सीट की, सीमित सीट की हमारे पास लाइब्रेरी है, छोटी लाइब्रेरी है लेकिन उचित व्यवस्थाएं हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आपको अच्छे से बैठ के आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी वहाँ पे। सभी बच्चों को अलग अलग डिवाइडेशन पार्ट दिया गया, सबकी अपनी अपनी लाइट लगी हुई है, सबकी किताब सबके पास है, आप जितनी किताबें चाहो उतनी किताबें अपने आप उठा के पढ़ सकते हो, वहां पे कोई नहीं, पूरी छूट है। आप आराम से आओ, किताब उठाओ, पढ़ो, उसी में लगा दो, घर नहीं ले जाना है। बस एक काम करना है, देखो घर नहीं ले जाना है और सब कुछ करना है, वो पढ़ने के लिए दी गई है, ठीक है। तीसरी चीज़, हमारे के यहाँ संस्थान में नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स कैसे होंगे, आपके लेखपाल के परफेक्ट नोट्स होंगे, फिर एक लेखपाल स्पेशल नोट्स होगा जो सॉल्ट नोट्स होगा, जो आपके पेपर के समय आपको दिया जाएगा, पेपर के 10 दिन पहले दिया जाएगा, उस नोट्स से ही अप्रॉक्स क्वेश्चन हम लोग पेपर में लाने का प्रयास करेंगे। प्रयास लाने का क्या मतलब, ऐसा थोड़ी कि पेपर छाप देंगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएंगे कि पेपर उन्हीं क्वेश्चन को पूछे। एक पैटर्न होता है पढ़ाने का, वो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स अवेलेबल होंगे आपको, जैसे भी कोई भी टॉपिक मैथ का जैसे चल रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर समाप्त होते ही आपको नोट्स दे दिया जाएगा एक आपको घर पे लगाने के लिए। आपको किसी भी किताब को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट एकेडमी की नोट्स को फॉलो करना है, उसी उतना ही कंटेंट आपके लिए पर्याप्त होगा और आपको कुछ करना ही नहीं। टॉपिक एंड हुआ, नोट्स आपके हाथ में, टॉपिक एंड हुआ, नोट्स आपके हाथ में, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है। और वीकली मॉक टेस्ट होगा, एक मॉक टेस्ट हर वीक में होगा। और जो दूसरी चीज़ है कि हर एक टॉपिक के एंड होने पर टेस्ट होता है हमारे यहाँ, वो हमेशा चलेगा, वो आज से नहीं, वो सालों साल से चल रहा है। तो टॉपिक एंड वाला टेस्ट तो हमारे यहाँ चलेगा ही चलेगा, जितने भी टॉपिक समाप्त होंगे हिंदी के या जीएस के या मैथ के या ग्राम समाज के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग से टेस्ट कराए जाएंगे। और वीकली एक मॉक टेस्ट होगा जो फुल होगा, जिसमें सारे चीज़ें, जितने भी नंबर का आपका पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा पेपर बेस पैटर्न बनाया जाएगा जिससे कि आपको पेपर में समस्याएं ना हो। तो लेखपाल स्पेशल में हमारे पास एक विशेष सुविधा ये है कि अगर हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और वीकली टेस्ट में अगर वो टॉप 3 में आते हैं, वीकली टेस्ट में अगर वो टॉप 3 में आते हैं तो हमारे यहाँ उन्हें लाइब्रेरी की विशेष सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी, समझ रहे हैं। अगर आप वीकली के मॉक टेस्ट में टॉप करते हो तो आपको लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की विशेष सुविधा के जो चार्जेस हैं वो आपके लिए छोड़ दिए जाएंगे, आपको मुफ्त में लाइब्रेरी में बैठने की सुविधा मिलेगी। तो फिर जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके पहचानने वाले हैं जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा जो बैच है नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट ट्यूसडे से, डेट क्या होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को, 21 तारीख से हमारा जो नया बैच है वो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 दिसंबर से हमारा जो नया बैच लेखपाल का है वो 21 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होगा। और इसकी टाइमिंग होगी 10:30 बजे से 1:30 बजे तक, मॉर्निंग 10:30 से स्टार्ट होगा और बैच 1:30 बजे तक चलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, एक उचित व्यवस्थाओं के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक बार ब्रिलियंट एकेडमी में आप उन्हें ज़रूर भेजिए और एक बार वो क्लास करके देखें, उनके पढ़ने का नज़रिया और पढ़ने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा।
ब्रिलियंट एकेडमी पूरा प्रयास कर रहा है कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज किया जाए और पढ़ाई की नई व्यवस्थाओं के साथ सभी बच्चों को जोड़ा जाए, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो डिजिटल तरीके से पढ़ाई करनी होगी, एक यूनिक पैटर्न से पढ़ाई करनी होगी। तो फिर जितने भी लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द संस्थान आके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि सीमित सीटों में उन्हें स्थान मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल से ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी, जो लेखपाल की क्लासेस हैं और रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस हैं, यूपीएसआई की क्लासेस हैं, जो भी हैं उन सब के बारे में विशेष बात होगी, उसका भी आपको जल्द से जल्द नोटिस जारी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।